भी कहलाता है, W9 फॉर, और अगर आपके पास ITIN या अवेलेबल है, इंडिविजुअल टैक्स पेयर नंबर आपका US में बना हुआ है, तो ये बहुत बड़ा प्लस एडवांटेज है। अब ये चीज भी आपको पता होगी, ITIN फॉरन नहीं बनता, टाइम लगता है बनने में, तो इसीलिए वही बात है, थोड़ा सा इसमें हमें वेट करना पड़ जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ US फोन नंबर, बिजनेस, आपका बिजनेस एड्रेस, ये सब चीजें आपको जरूरी हैं, और साथ ही साथ आपके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, VPS। विदाउट VPS आप वॉलमार्ट पे अपना अकाउंट नहीं बना सकते, इसपे क्लियर है आप सब? Yes. अच्छा, अगर SSN हो तो भी फायदा नहीं है, क्योंकि वॉलमार्ट पे जब आप अकाउंट क्रिएट करते हैं ना, तो वो आपसे या तो ये नंबर मांगता है या ITIN नंबर मांगता है। ये नंबर तो हर किसी के पास होता है ना, वो चल जाता है, पर ITIN की बेसिस पे अप्रूवल रेट चलता है, ठीक है। अच्छा, ये वाली तो मैंने बातें ही की है ना अभी तक सेलर्स के हवाले से, ये बिजनेस मॉडल की, ठीक है। एक बात आप सबको ना मैं बताता चलू, वॉलमार्ट ना आप कह लें अमेजोन का सौतेला बच्चा है एक तरह से, ठीक है। यानी इन्होंने हर चीज कॉपी पेस्ट करी है, सिंपली हर चीज मैं लिटरली बता रहा हूँ कॉपी पेस्ट करी है। पर क्या है, अमेजोन में आप FBA बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पे WFS बोलते हैं, वॉलमार्ट फुलफिलमेंट सर्विसेज, अमेजोन में एजन होता है, इन्होंने प्रोडक्ट ID नाम दे दिया है। इवन जब आप शिपमेंट लाइन बनाते हैं ना, FNSQ लेबल भी उसी तरीके से इससे जनरेट होते हैं, आपके पास शिपमेंट लाइन बनाने का तरीका भी 100% वही है। इवन इसके बाद अगर आप FBM कर रहे हैं, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट कर रहे हैं, तो अमेजोन में जिन्होंने FBM किया था उन्हें चीज पता होगी, बाय शिपिंग का ऑप्शन होता है, वहीं से लेबल आप परचेज कर सकते हैं, वो चीज भी यहाँ पर होती है। तो हर चीज इन्होंने A to Z कॉपी पेस्ट करी है अमेजोन से, पर एक गंदे अंदाज में, इन सेंस के अमेजोन पे बड़ा रेयरली आपने नोटिस किया होगा कभी कोई ग्लिचेस आए होते हैं उनके सर्विस सेंटर में, कुछ साल में एक दफा नजर आ जाए। वॉलमार्ट के सर्विस सेंटर में हर दूसरे दिन आपको जो है कोई ना कोई ग्लिच नजर आता है, कभी आप मैनेजमेंट के पेज पे जाएंगे 10-15 मिनट के लिए ओपन नहीं हो रहा होगा, कभी आप शिपमेंट लाइन बनाना चाह रहे होंगे शिपमेंट लाइन नहीं बन रहा होगा, तो इस तरह के इसमें ग्लिचेस वगैरह जरूर है, क्योंकि एक इवॉल्विंग प्लेटफॉर्म है, तो ये लोग भी अभी फीडबैक वगैरह ले रहे होते हैं। मैं थोड़ा सा आपको एक इसका इंटरफेस दिखा देता हूँ, और इंटरफेस को देख के ना और अमाउंट फाइनेंस में देख के घबराइए ना, नहीं उसका रीजन भी आपको बता दूंगा। अच्छा, ये एक वॉलमार्ट अकाउंट है जो मैं अभी आपके सामने लॉग इन कर रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद एक वो फॉर्म डाउनलोड होता है, जो भी कभी हम डाउनलोड नहीं करते, बस एग्जिट इंटरव्यू को, तो उसको हमें डाउनलोड करना चाहिए। मैं भी आपसे बात कर रहा था ना, कोई ना कोई ले आया हुआ होता है तो आपके सामने, ठीक है, तो इस तरह की सिचुएशन हो जाती है इसमें, 12 अलग ये रिजॉल्व होता है, तो मैं आपको हो जाएगा, लेकिन कल भी सेशन में ना इसका 2-3 पॉइंट्स पे आगे 15 चले हो गया। अच्छा अच्छा, अब अगर मैं इस अकाउंट पे आपसे एक बात करूं, तो बैलेंस माइनस में क्यों गया हुआ है, मैं आपको ये नया अकाउंट है, मैं आपको रीजन बता देता हूं इसमें प्रॉब्लम हुई क्या है, और उसमें मेरी गलती है। यहाँ पे आने से पहले हमारा कराची में सेमिनार था ना, तो मैं 2 हफ्ते के लिए चला गया, और बीच में अपने टीम मेंबर को दे गया था कि तुम मैनेज कर लेना, उसका नतीजा ये हुआ कि उसने ऑर्डर मेरे जरूरत से ज्यादा कैंसिल किया, ट्रैकिंग प्रॉपर नहीं करी, तो ये मैं 30 दिन होने का वेट पूरा कर रहा हूँ कि मेरे सारे मेट्रिक्स नॉर्मलाइज हो गए, ताकि मैं अपनी इन्वेंट्री दोबारा लाइव करूँ। अगर मैं नंबर ऑफ ऑर्डर्स की बात करूँ, तो इसमें बड़ी ही तेजी से तकरीबन टोटल मेरे पास टू डेट 206 ऑर्डर्स इस वाले अकाउंट पर आए हैं, नया अकाउंट है, बहुत पुराना अकाउंट नहीं है, और तकरीबन 200 ऑर्डर हम इसमें शिप करा चुके हैं, और ज्यादा FBM वगैरह किया जा रहा है, तो आप चीजें मैनेज कर सकते हैं, बस लेकिन वही बात है, इन्वेंट्री हमेशा ऑथेंटिक सोर्स से लेनी है, इस चीज का आपने ख्याल रखना है। अच्छा, इसमें टूल्स की अगर मैं आपसे बात करूं कि आप लोग कौन से टूल्स अपने लिए यूज करेंगे, तो हमारे पास 2 टूल्स हैं, और दोनों टूल्स टेक्सपेरी पे यहाँ पे अवेलेबल भी हैं, एक का नाम है हीलियम 10, दूसरे का नाम है डेटा स्पार्क। डेटा स्पार्क सुना है किसी ने? नहीं सुना, सबने सुना है, बहुत सुने नहीं सुना। हीलियम 10 को मैं मान सकता हूँ, सबको पता है हीलियम 10 क्या है। अच्छा, बस हीलियम 10 में कुछ, अगर मैं आपको एक बात बताऊंगा, हीलियम 10 में कुछ फीचर्स आपको वॉलमार्ट में नजर आ जाते हैं, जैसे मैग्नेट में आपको नजर आ जाएगा, सेरेब्रो में नजर आ जाएगा, ज्यादातर